हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा आपको सिटी पीएनएस की फिल्मिंग के बारे में। सिटी पीएनएस पैरा नेजल साइनस, आपके सामने सेस, कॉर्नल और एक्सेल है और इस पे हमने सबसे पहले एक कॉर्नल की प्लानिंग लेंगे। सेस पे क्लिक करेंगे, पैरेलल रेज, यहाँ पे हमारा नोज स्टार्ट होता है और यहाँ पे सेफनेट साइनस ख़त्म होते हैं। लॉक करेंगे, लॉक करने के बाद हम 25 कट्स लेंगे कॉर्नल के। स्टार्ट, कॉपी टू फिल्म शीट। आप देख सकते हो आपके सामने कॉर्नल के 25 कट्स आ गए हैं और इसको सिलेक्ट करना है 5:7 पे। जूम करेंगे, हमने सिर्फ साइनस ही दिखाने हैं इसलिए फालतू कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दोबारा 3D में जाएंगे, क्लोज कॉर्नर पे हम सेज की प्लानिंग करेंगे, लॉक करेंगे। फर्स्ट कट जहाँ पे हमारा राइट मैगजी साइनस स्टार्ट होता है और यहाँ पे लेफ्ट मैगजी साइनस ख़त्म होता है, इस पे हम 11 कट्स लेंगे। 11 कट्स इसलिए लेंगे ताकि हमें जो सेंटर वाला कट है मिल सके। यदि हम 10 कट्स लेंगे, यदि 12 लेंगे तो हमें जो सेंटर वाला कट है वो मिलेगा नहीं, इसलिए 11 कट्स लेंगे तो हमें सेंटर वाला कट मिल जाएगा इजली। तो हमने स्टार्ट करना है कॉपी टू फिल्म शीट फिल्मिंग। अभी हम साइज को जूम करेंगे ताकि पूरी फिल्म में फिट हो जाए और साइंस हमारे कटे ना। हमने देखना है जिसमें हमें प्रॉब्लम कम दिख रही है वो थोड़ा काट देंगे। जो फर्स्ट कट है इसमें थोड़ी प्रॉब्लम कम है और जो लेफ्ट वाला साइनस है वो पूरा भरा हुआ है, हम दिखाएंगे इसमें। ठीक है जी, जो हमारी फर्स्ट फिल्म है वो रेडी हो गई है। अभी हम दूसरी फिल्म पे जाएंगे, 3D में लोड करेंगे, क्लोज यहाँ पे हम एक्सेल की प्लानिंग करेंगे, सेल्स पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट कट जहाँ पे हमारा फ्रंटल साइनस, ये आप देख रहे हो फ्रंटल साइनस जहाँ पे स्टार्ट होता है और यहाँ पे मैगजिलरी साइनस फिनिश होते हैं। लॉक, 24 कट्स, स्टार्ट, कॉपी टू फिल्म शीट फिल्मिंग। अभी हम जूम करेंगे, जूम इतना करना है ताकि जो फिल्मिंग में पूरा फिट हो जाए और फाइंडिंग कटे ना। जैसे अभी नोज थोड़ा कट रही है तो हम थोड़ा सा नीचे कर देंगे इसको। ठीक है जी, अभी हम देखेंगे जो ज़्यादा भरा हुआ है या किसी चीज़ में फाइंडिंग आ रही है, साइनस भरा हुआ है जैसे कि, इसको कॉपी करेंगे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हमने जूम कर दिया, ठीक है जी, ताकि डॉक्टर की नज़र इस पे जाए या किसी भी नज़र जाए तो हमें इजीली फाइंडिंग का पता चल जाए। अभी हम दोबारा 3D में जाएंगे, स्टडी क्लोज करेंगे। अभी हमने सॉफ्ट विंडो उठानी है, 3D में लोड करेंगे। 3D में लोड करने के बाद इसको हमने कॉर्नल देना है क्योंकि पीएनएस में सबसे मेन कॉर्नल ही होता है जिसमें हमें ज़्यादा डिटेल मिलती है और ज़्यादा स्टडी मिलती है। ठीक है जी, हम इस कॉर्नर को देखेंगे अच्छे से, थोड़ा सा स्मेटी करेंगे इसकी। स्मेटी होने के बाद थोड़ा इसको सीधा करा, जूम करा, इसकी थिकनिंग बढ़ाएंगे 2.5। हमने अभी दिखाना है इसमें फाइंडिंग, फाइंडिंग क्या आ रहा है, साइनसाइटिस है इसमें,
जैसे ये वाइट वाइट दिख रहा है फंगल इन्फेक्शन, ये भी दिखाएंगे। कट्स अपने उतने ही देने हैं ताकि फिल्मिंग में पूरे आ जाएं और जो प्रॉब्लम है वो कट मिस ना हो जाए। अभी हम इसको जूम करेंगे। इसमें हमारा देखो साइनोसाइटल फंगल इन्फेक्शन दिख रही है, हमारी एक्सियल की फिल्म भी रेडी हो गई है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, पूरी फिल्म को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट और कॉर्नर सॉफ्ट विंडो का फर्स्ट, इसको हम डीसेलेक्ट करेंगे। प्रॉपर्टी नो टेक्स्ट, ओके। जो सारी फिल्मिंग है उसमें जो टेक्स्ट है वो हट जाएंगे, और फर्स्ट और कॉर्नर का फर्स्ट है इस पर एनोटेशन रहेगी, ताकि हम फिल्म को देखें और इसका नाम देखकर हम फिल्म को फोल्डर में डाल सकें। सेम हम इसी इसमें भी ऐसे करेंगे, फर्स्ट और सहज का फर्स्ट, नो टेक्स्ट, ओके। ठीक है जी, विंडो आप अपने अनुसार जैसे आपको अच्छी लग रही है फिल्मिंग तो उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो हमारी पीएनएस की फिल्मिंग है वो रेडी हो गई है। इसमें हमने क्या किया है, 25 कॉर्नर, 10 सेज, 25 हेक्सियल और 10 कॉर्नर सॉफ्ट विंडो, ताकि हमें फंगल इन्फेक्शन दिख सके। ठीक है जी, आपके सामने पीएनएस की फिल्म रेडी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please subscribe my YouTube channel. Thank you.